ये प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी यूजीसी नेट की ज्योग्राफी की जो कट ऑफ है वो अब की बार परसेंटाइल के बेस पर होगी, क्योंकि जो दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो जब भी दो शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी आ जाए या इवनिंग शिफ्ट का थोड़ा टफ आ जाए, तो उनका दोनों का कंपैरिजन करके जो है, जैसे कि 6% 6% जो स्टूडेंट लेने होते हैं टोटल, वो लेंगे ऊपर के टॉप टॉप के करीम, जिसे हम बोलते हैं ऊपर ऊपर के करीम उठाएंगे 6% में। आप किस आप करीम में आते हैं, लस्सी में आते हैं, दही में आते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो ये परसेंटाइल के बेस पे होगा, तो हम मान सकते हैं कि कट ऑफ कितने पे लग सकती है। तो पिछले जो कट ऑफ 2021 में जब रिजल्ट आया था, तो उसी प्रकार दो शिफ्ट थी, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में, दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर जो कट ऑफ कितने पे लगी थी, उससे 2000% फालतू ही लगने की चांसेस है, मतलब दो ऊपर ही होगी, कम तो नहीं आ सकती, क्योंकि कई स्टूडेंट ये बता रहे थे कि एग्जाम थोड़ा इजी था। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अब की बार थोड़ा जो क्वेश्चन थे वो डाटाबेस थे, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने वीडियो बना रखी है कि चीन वो जो व्यापार से रिलेटेड था, निर्यात से रिलेटेड था, पवन ऊर्जा के मामले में जो देश है जैसे चीन, अमेरिका, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रखे थे, ठीक है? और एक वो नया क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, जी जोड़ने का आरोप किस पर लगाया गया था, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है? मतलब मोस्टली, और पो नदी है वो कहाँ पर है, कौन से देश में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो जिक के टाइप के भी क्वेश्चन थे। तो हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पिछली जो कट ऑफ थी वो कितनी थी और अब कितनी होने का अनुमान है। तो ये आपकी जो हम बात करें सबसे पहले जो ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस के आपके जो जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ है वो देख लेते हैं हम, तो वो कितने पर थी वो देखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी, तो ये 95.97, इनकी 95.97% थी। इसमें टोटल जो नेट क्वालिफाई हुए थे वो 1361 स्टूडेंट ऑल इंडिया के अंदर क्वालिफाई हुए थे, और जेआरएफ की जो थी वो 99.1137, ऐसे ऐसे मतलब ये गहराई तक रखी है, ठीक है? तो इतने पर थी, और इसके अंदर टोटल है 299 जेआरएफ क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ये 89 पर लगी हुई थी, और उसके बाद में इसके अंदर टोटल जो नेट क्वालिफाई थे वो 323 थे, और उसके बाद में इसके अंदर जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो 97% प्लस पर लगी, परसेंटाइल प्लस पर लगी हुई थी, टोटल 64 ही जेआरएफ क्वालिफाई हुए थे इसके अंदर। और उसके बाद में आगे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों की भी 89 पर लगी हुई थी। तो ये हर बार होता है कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो लगभग ओबीसी के बराबर ही रहती है, ठीक है? लेकिन ओबीसी के अंदर जो नेट क्वालिफाई है वो सबसे ज्यादा है ईडब्ल्यूएस के कंपेरिजन में, तो 875। तो हम मान के चल सकते हैं कि अब की बार जो कट ऑफ है वो 89 पे है, तो शायद 92 पे चली जाए, 92 या 91 पर चली जाए, इससे कम नहीं आएगी। और जनरल की अगर 95 पे थी तो अगली बार 97 जाने की संभावना है, आपकी बार 97 जा सकती है। और उसके बाद में हम बात करें इसकी एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की 82 पे थी, तो अब की बार 84 85 पर जाने की संभावना ही है, ठीक है? इतने तक जा सकती है, मतलब कम नहीं जाएगी, कुछ फालतू ही जाने की संभावना है। और उसके बाद में इसके अंदर 496 स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हुआ था एससी कैटेगरी के अंदर, और इसकी जेआरएफ की जो कट ऑफ थी वो कितने की थी, 94.87 पर थी, तो अब की बार ये भी 95 96 के आसपास रहने की संभावना है। और उसके 126 टोटल स्टूडेंट क्या है वो जेआरएफ क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी वालों की 75 पे लगी हुई थी, 302 टोटल स्टूडेंट नेट क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद में बात करें कि इसकी जेआरएफ के अंदर 54 स्टूडेंट का हुआ था, इसकी कट ऑफ है वो 93.16% पर थी, ठीक है? उसके बाद में और रिजर्व कैटेगरी की आप देख सकते हैं, अलग अलग परसेंट जो परसेंटाइल है, तो ये आप देख सकते हैं ज्योग्राफी स्टूडेंट की अलग अलग पीडब्ल्यू अलग अलग कैटेगरीज की, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने कट ऑफ उनकी थी। और जो बिल्कुल अनरिजर्व कैटेगरी है बैकग्राउंड वाली, उनकी तो बहुत कम पर जाती है। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं उससे 1 2 पॉइंट ऊपर जाने की ही संभावना है, कम नहीं आएगी, जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो उससे कम नहीं लगेगी, ठीक है? तो
तो आज की वीडियो में यही अपडेट आपको देनी थी, और आगे इसी प्रकार हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आगे हम बात करेंगे कि जो आपकी आंसर की कब आएगी, और आपको कौन से चैलेंज करने हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर वो आंसर की आएगी, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।